युवराज सुहानी को रोकने की कोशिश नहीं करता है। वो समझ चुका था कि सुहानी उसके रोकने से रुकने वाली नहीं है। युवराज देखता है कि सुहानी काफी परेशान लग रही है, तो वो कहता है, क्या हुआ? सुहानी जवाब देती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या सच है और क्या मेरी इमेजिनेशन है। कभी लगता है कि सृष्टि सच में है और वो मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन कभी लगता है कि मेरा दिमाग ही ये कहानियां बना रहा है। मुझे पता भी नहीं है सृष्टि सच में उस पेड़ में कैद है या ये सब मेरा वहम है। युवराज कहता है, अगर तुम श्योर नहीं हो तो फिर वो धागा क्यों खोलना चाहती हो? सुहानी उसे जवाब देते हुए कहती है, मैं बस ये अपने मन की तसल्ली के लिए करना चाहती हूँ। पिछले एक महीने से रोज सृष्टि की आवाजें सुनती हूँ और वो मुझसे मदद मांगती है। अगर सृष्टि सच में है तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, और यदि ये मेरा वहम है तो मैं खुद को इससे आजाद करना चाहती हूँ। ये सुनकर युवराज फिर आगे कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में वो तीनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। हॉस्टल वाले निशा को अंदर ले जाते हैं। युवराज वहां से जाते हुए सुहानी को देखकर कहता है, मैं 11:30 बजे तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। जवाब में सुहानी अपना सिर हिला देती है और युवराज वहां से चला जाता है। कार में बैठने के बाद युवराज अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता है और कहता है, सुहानी शर्मा, कल सुबह से पहले इस लड़की की नींद नहीं खुलनी चाहिए। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। सुहानी अब तक कॉलेज नहीं पहुंची थी। युवराज उस बरगद के पेड़ के सामने था और उस लाल धागे को खोलने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके कदम रुक जाते हैं और वो अपने सामने उस साये को हवा में देखता है। वो साया काले धुएं की तरह था, जिसका शेप किसी इंसान के जैसा था। उस घने अंधेरे के बीच वो साया बहुत भयानक दिख रहा था। उस साये से एक गुर्राती हुई आवाज आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे टकराने के बारे में सोचने लगे। युवराज अपना रास्ता बदल लेता है और तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो काला साया फिर से पेड़ और युवराज के बीच आ जाता है। ये देखकर युवराज गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उस साये से वही आवाज आती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इसे मुझसे नहीं बचा सकते। युवराज कहता है, तुमने इसे मार डाला, अब तो इसे आजाद कर दो। वो साया गुर्राते हुए कहता है, तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। उस साये के ऐसा कहते ही युवराज फिर से उस पेड़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अब वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। बहुत कोशिश करने पर भी वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी युवराज की बॉडी ऊपर उठने लगती है और वो लगभग 15 से 17 फीट ऊंचाई पर हवा में चला जाता है। वो साया युवराज के बिल्कुल पास आकर कहता है, क्या अब भी तुम उस लड़की की आत्मा को आजाद करना चाहते हो? युवराज जवाब देता है, हाँ, मैं उसे आजाद करके ही रहूंगा। युवराज के चेहरे पर डर के कोई भी भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं हो। युवराज के ऐसा करते ही वो तेजी से जमीन पर गिर जाता है। उस साये ने युवराज को बहुत जोरों से नीचे पटक दिया था, लेकिन युवराज फौरन उठ जाता है और फिर से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज की हिम्मत देखकर उस साये का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए युवराज जमीन पर गिर जाता है और वो साया युवराज को घसीटते हुए पुराने रोड के पास ले जाता है। युवराज के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो साया उसे वहां से नहीं जाने देता और उलझाए रखता है। कभी वो युवराज को उठाकर पटक देता तो कभी उसके रास्ते में पेड़ गिराकर उसे रोक लेता। वो युवराज को बस कुछ समय तक वहीं रोक कर रखना चाहता था और यही करते हुए काफी समय बीत जाता है।
वो साया एक बार फिर से युवराज को हवा में उठाकर दूर फेंक देता है तो युवराज एक बड़े पेड़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है। तभी युवराज के रिस्ट वॉच का अलार्म बजता है। वो अपनी घड़ी देखता है तो उसकी सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। रात के 1 बज गए थे। तभी सामने से उस साए की आवाज आती है, वो वक्त जा चुका है जब तुम उसे आजाद कर सकते थे। अब ये रात 1 साल बाद आएगी। उस लड़की को आजाद करने के लिए 1 साल बाद फिर से कोशिश करना। ये कहकर वो साया हवा में ही गायब हो जाता है। उस साए के जाने के बाद युवराज गुस्से से जोर से चीखता है। उसके चीखने की आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। इस वक्त उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सृष्टि की कोई मदद नहीं कर पाया था। अगली सुबह युवराज आंखों में गुस्सा और उदासी लिए उस पेड़ के सामने खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और मन में सिर्फ दुख और पछतावा था। लेकिन आज वहां युवराज को कुछ अजीब सा लग रहा था। आज वो सृष्टि की मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा था और ना ही उसे सृष्टि की कोई आवाज सुनाई दे रही थी। युवराज उस पेड़ को गौर से देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उस पेड़ पर वो लाल धागा नहीं था। युवराज हैरानी से बोलता है, वो धागा कहाँ है? पेड़ पर धागा ना देखकर युवराज ये तो समझ जाता है कि सृष्टि अब मुक्त हो गई थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे। युवराज हैरानी से उस पेड़ को ही देख रहा था। तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, वो धागा कल रात मैंने खोला है। युवराज पीछे मुड़कर देखता है तो वहां सुहानी खड़ी थी। सुहानी को देखकर वो चौंक जाता है। सुहानी युवराज के पास आकर कहती है, युवराज सर, कल रात आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने काफी टाइम तक आपका वेट किया। फिर जब आप नहीं आए तो मैंने खुद यहाँ आकर वो लाल धागा खोल दिया। युवराज इस वक्त इतना हैरान था कि कुछ कह नहीं पा रहा था। सुहानी आगे कहती है, मुझे लगता है कि सृष्टि की आवाज, उसका सपना, ये सब मेरा वहम था। अगर वो सब सच होता तो कल रात मैं इतनी आसानी से वो धागा नहीं खोल पाती। शायद मैं सृष्टि की स्टोरी में इतना खो गई थी कि वो सब मुझे दिखाई और सुनाई देने लगा था। कल धागा खोलने के बाद मुझे अच्छी नींद आई और मुझे कोई सपना भी नहीं आया। युवराज शांत होकर सुहानी की सारी बातें सुन रहा था। उसके मन में इस समय यही सवाल चल रहा था, कल नींद की दवा खाने के बाद भी सुहानी वहां कैसे पहुंच गई? वो बात को बदलते हुए कहता है, अब निशा कैसी है? क्या उसे होश आया? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ, कल रात को उसे होश तो आ गया था। वो कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, फिर वो मेरा खाना खा गई और फिर से सो गई। उसके बाद अब तक नहीं उठी है। सुहानी की बात सुनकर युवराज को सब कुछ समझ आ जाता है। सुहानी के खाने में नींद की दवा मिलाई गई थी, वो तो निशा ने खा लिया था। कल रात सुहानी को उस साए ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि उस वक्त वो साया युवराज के साथ उलझा हुआ था। इसका मतलब उस साए ने सुहानी को धागा खोलते हुए देखा ही नहीं था और अब सुहानी को साए से कोई खतरा नहीं था। युवराज यही सोच रहा था तभी सुहानी कहती है, युवराज सर, आपने बताया नहीं कल रात आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? युवराज होश में आता है और बहाना बनाते हुए कहता है, कल रात मैं सो गया था, आई एम सॉरी। सुहानी बस कहती है और वहां से चली जाती है। सुहानी को लग रहा था कि सृष्टि की आवाज उसका वहम था और युवराज उसकी ये गलतफहमी बनी रहने देना चाहता था। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज कैंपस में खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी एक बड़ी सी ब्लैक कार वहां कर रुकती है और पद्मिनी सिंघानिया उसमें से बाहर निकलती हैं। सभी की नजर उस पर चली जाती है। उस कार की दूसरी तरफ से लगभग 55 साल का एक आदमी बाहर निकलता है और वो दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखकर सुहानी कहती है, निशा, पद्मिनी सिंघानिया के साथ वो आदमी कौन था? निशा जवाब देती है,
वो युवराज दीवान के डैड मिस्टर यशवंत दीवान हैं। वो और पद्मिनी हमारे कॉलेज के ओनर हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी का अफेयर चल रहा है। सुहानी बस हैरानी से निशा की बातें सुन रही थी। तभी विवेक सुहानी से कहता है, सुहानी तुम्हें पता है मिस्टर यशवंत दीवान के बारे में एक बहुत फेमस स्टोरी है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, कैसी स्टोरी? विवेक कहता है, यहाँ के लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले यशवंत दीवान बहुत गरीब हुआ करते थे, उन्हें विशिंग बेल से ये सब मिला है। सुहानी आंखें बड़ी कर कर कहती है, क्या सच में? विवेक जवाब देता है, हाँ यहाँ के लोग तो यही कहते हैं। फिर सुहानी अगला सवाल करती है, और युवराज सर की मम्मी? विवेक कुछ सोचकर कहता है, उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बातें चल ही रही थी तभी एक स्टूडेंट भागते हुए कॉलेज कैंपस में आता है और बाकी स्टूडेंट से कहता है, कल रात पुराने रोड पर रोशन का मर्डर हो गया है। उस स्टूडेंट की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। निशा, सुहानी और विवेक भी उस स्टूडेंट की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। निशा कहती है, कल फिर पुराने रोड पर मर्डर हुआ है। सुहानी निशा की बात को पूरा करते हुए कहती है, और आज फिर पद्मिनी सिंघानिया कॉलेज आई हैं। सुहानी की बात खत्म होते ही विवेक कहता है, तो क्या सच में इन मौतों और पद्मिनी सिंघानिया के बीच कोई कनेक्शन है? वो तीनों आंखें फाड़ कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद निशा, विवेक और सुहानी कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। उनके सामने प्लेट में चीज सैंडविच रखा था जो निशा का फेवरेट था, लेकिन किसी से भी कुछ खाया नहीं जा रहा था। तीनों खामोशी से बैठकर कुछ सोच रहे हैं। आज पूरे कॉलेज का माहौल कुछ ऐसा ही था। रोशन कॉलेज का 10वां स्टूडेंट था जिसकी मौत उस विशिंग बेल के पास हुई है। उन तीनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए विवेक कहता है, यार अब तो मुझे भी लगने लगा है कि पद्मिनी मैम का इन मर्डर से कुछ कनेक्शन है, मुझे भी। निशा परेशान होकर कहती है। सुहानी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। ये देखकर विवेक उसे चिढ़ाते हुए कहता है, किसके ख्यालों में खोई हुई हो? युवराज सर के। विवेक की बात सुनकर निशा चौंक जाती है और वो चिढ़कर सुहानी से कहती है, तो उस आदमी के ख्यालों में क्यों खोई है? निशा का सवाल सुनकर सुहानी हड़बड़ा जाती है और विवेक को भी एहसास होता है कि उसे निशा के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सुहानी बात को संभालते हुए कहती है, निशा तुम्हें याद है जर्नलिस्ट सीमा जी ने हमें क्या कहा था? सुहानी की बात पर निशा अपना सर खुजाते हुए अपने दिमाग पर जोर देती है और कहती है, हाँ याद आया, उन्होंने कहा था कि शिमला के कुछ बड़े लोग हैं जो सृष्टि मर्डर केस को दबाना चाहते हैं। ये सुनकर विवेक लगभग चीखते हुए कहता है, क्या सृष्टि का मर्डर हुआ था? ये सुनते ही सुहानी और निशा उसे धीरे बोलने के लिए इशारा करती हैं, तो विवेक चुप हो जाता है। सुहानी बात को आगे बढ़ाते हुए निशा से कहती है, सीमा जी जब उन लोगों का नाम बता रही थी तो उन्होंने एक वर्ड कहा था और तभी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तुम्हें याद है उन्होंने क्या कहा था? सुहानी का सवाल सुनकर निशा फिर से अपने दिमाग पर जोर देती है और कुछ देर याद करने के बाद वो बौखलाहट के साथ कहती है, ओ शिट, कहीं वो पद्मिनी सिंघानिया तो नहीं कहना चाह रही थी? सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती है, हो सकता है। सुहानी की बात सुनकर विवेक कहता है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि सृष्टि सुसाइड केस को पद्मिनी सिंघानिया दबाना चाहती थी? क्या सुहानी फिर किसी मुसीबत में पड़ जाएगी? क्या सच में वो पद्मिनी सिंघानिया ही थी? और क्या विशिंग वेल के पास हो रही मौतों का पद्मिनी से कोई ताल्लुक था? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।